गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी और उनके बीच की रिलेशन समझ चुके हैं। क्या आई थी? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, बट अगर हम ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रखते, अगर ये डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले लें, तो यानी अब ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रहा, डिस्टेंस ये उससे ज्यादा हो गया, तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? चेंज। और ऐसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट को डेप्थ में ले लें, अर्थ के अंदर ले लें, तब भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो कैसे चेंज हो रही है और क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम डेरिवेशन से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस, और वो भी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और अगर हम उसे हाइट में ले जाए या डेप्थ में ले जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो भी हम चेक करेंगे बाय डेरिवेशन। तो उससे पहले हम कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। हमने कंसीडर कर लिया एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, उसको हम हाइट पे ले गए h। कितनी हाइट पे ले गए हम उसको? h हाइट पे। अबोव द ग्राउंड सो द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट b विल बी, हम एक बॉडी को b पॉइंट पर ले गए, कितनी हाइट पर ले गए ग्राउंड से? h हाइट पर। तो उस b पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी? आपने अभी पढ़ा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि अब उसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ आर नहीं रहा, क्या हो गया? आर प्लस एच। सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, तो सेंटर से इस बॉडी और इस बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर प्लस एच। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, नहीं न्यू वाली, क्योंकि चेंज हुई है। अगर ये डिस्टेंस चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगी, तो हमने इसको जी डैश से डिनोट कर दिया, ठीक है। बट सरफेस पे तो क्या रहेगी? वही से स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है और ये देखना है कि कैसे इफेक्ट कर रही है इसको। मींस अगर हम हाइट इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो उसके लिए हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें। सबसे पहले डिवाइड कर लिया, अब इसके बाद एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है कि मैं क्या करने जा रही हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, फिर आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इफेक्ट हो रही है। तो देखो जी एम से जी एम तो क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें से आर क्या ले लोगे? कॉमन, क्योंकि ऊपर भी एक आर वाले टर्म दिख रही है नीचे भी, तो नीचे से कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले रही हूं, मतलब मैंने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से क्या किया? मैंने डिवाइड किया। ये बात समझ रहे हो? अब ये वाला जो आर है वो तो मैं अंदर ले रही हूं, ये इसी स्क्वायर के अंदर ही है, तो यहां पर तो आर दोनों के नीचे हो गया और एक आर इसके अभी भी मल्टीप्लाई में रहा, तो यहां से तो आर से आर कैंसिल क्या बच गया? वन अपॉन सॉरी वन प्लस एच अपॉन आर। इसको नेक्स्ट लाइन पे राइट कर देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इनटू वन प्लस एच अपॉन आर, और पूरे का क्या है? स्क्वायर। और जब आप इसे बाहर लेकर आओगे तो ये वैल्यू भी क्या हो चुकी है? स्क्वायर हो चुकी है। तो अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? आर स्क्वायर इनटू वन प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। तो जितना मैं
वन अपॉन एच क्यूब या एच अपॉन आर होल स्क्वायर, कितना हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। क्या आ गई आपके पास इक्वेशन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। अभी तक इतना हो चुका है। अब इसके बाद ये डिवाइड में हम इसे ऊपर ले जाते हैं, फिर से मैं इसी में दूसरा स्टेप कर रही हूँ। इसको जब हम ऊपर ले गए तो क्या होगा, वन प्लस एच बाय आर पूरे की पावर क्या हो गई माइनस, क्योंकि स्क्वायर था, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस टू। इतनी इक्वेशन आ गई। अब हमें थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है, और वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में एक एक्सपेंशन यानी एक रिलेशन पढ़ी होगी कि अगर किसी इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू वन है तो उससे पावर आगे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लगानी है तो इस इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू वन है और ये जो पावर है वो आगे सेकेंड वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी क्या आंसर आ जाएगा वन माइनस टू एच अपॉन आर। तो अगर आपसे बोले कि फाइनल यानी बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, ये जी डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी जी डैश किसके इक्वल हो गया जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर। तो एक एक स्टेप ध्यान से लेना है, और फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो रिपीट देख लेना, नहीं समझ में आया तो लाइव में एक बार पूछ लेना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी पॉइंट पे जो आई जी डैश हमने अज्यूम की थी ना, वो किसके इक्वल आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू एच अपॉन आर। मतलब अगर आप यहाँ पर इसको कॉमन अगर सेंस अपनी यूज करके देखो तो क्या आ रहा है, जी को वन से मल्टीप्लाई करो एंड जी इंटू टू एच अपॉन आर। मतलब जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें से भी कुछ ना कुछ माइनस होके आपके पास क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। तो सरफेस पे 9.8 है और उसमें से भी कुछ माइनस होके ही आंसर आएगा, यानी जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। और ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है बाय एस्ट्रोनॉट, जब वो जाते हैं मून पे तो वो हैवी स्पेस को स्पेंड के जाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी वहां कम हो जाती है और वो जमीन पे टिक नहीं पाते, इसीलिए वो थोड़ा सा अपना वेट बढ़ाने की यानी ग्रेविटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और हैवी स्पेस सूट्स लेकर जाते हैं पहन कर जाते हैं अपने साथ। तो यानी यहाँ से आपको इफेक्ट समझ में आ गया, इफ हाइट इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, और कुछ मैं थोड़ा सा हिंट आपको पहले ही दे चुकी थी, मैंने बताया था इस मैक्सिमम ऑन द सरफेस, सरफेस पे मैक्सिमम है, उसके अलावा आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे कहीं भी जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होगी डिक्रीज। तो इसका डायरेक्शन आपको ध्यान से देखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।